ठीक है। सबसे पहले हाँ जी बीच में बात निकलनी है, बोलियो बोलियो। ए लयो माइक ले लो, ध्यान से सुनो कथा। सबसे पहले सुनाया जाओगा ध्यानु का प्रसंग, नारियल की भेंट क्यों और कब चढ़ाई जाने लगी। हम नारियल लेकर चढ़ा तो दिए, हमने पता तो नहीं कब चढ़ाने लगे नारियल, क्यों चढ़ाया जाता है, पहले हमें पता होना चाहिए। छोटी कन्या देव जी कोई माता रानी बनाने के लिए बस एक बच्ची सही है जी। सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, एंतवार की। एंतवार हाजिर हल्के हल्के क्यों बोलो। सबसे पहले ध्यानु का प्रसंग, नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाने लगी। एक समय की बात है, हनुमान जी को अपने भक्ति पे अहंकार हो गया। एक घंटा रुक जा, हम जा लेंगे फिर बतला लियो। एक समय की बात है, हनुमान जी को अहंकार हो गया कि संसार में तेरे से बड़ा कोई माता का भगत नहीं है। अहंकार कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। अहंकार बोलते हैं मैं को, मैं के पास मैं नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहाँ पे मैं वहां पे मैं नहीं। हनुमान जी को अहंकार हो गया कि संसार में तेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। लेकिन माँ जानी जान जान है, सबके दिलों को जानती है कौन भगत की संभावना को लेकर के आया है दरबार में। भगत भी कई तरह के अपने हैं, तीन तरह के भगत होते हैं। एक भगत होते हैं श्रोता, जो आराम से बैठ के भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं माता रानी की। दूसरे होते हैं श्रोता, शाम न आए रोटी खाई फिर सो गए, जागरण को यारो एक नहीं। तीसरे उम्र श्रोता, भाई चप्पल पुरानी सी होगी जागरण में नहीं पावेंगे, मैं बदल के लियाऊंगा। तो भगत कहीं डाल के हुए हम गुण श्याम श्रोता में जो सारे धोए बैठे हैं। तो हनुमान जी के मन में जब अहंकार आया, माता रानी ने देख लिया भी हनुमान को तो अहंकार हो गया। हनुमान जी से कहने लगे, बेटा मेरे शेर की सवारी तैयार करो, मुझे एक भगत से मिलने के लिए जाना है। क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ा, जाना था गंगा पार प्रभु जी खेवट की नाव चढ़ा। जैसे प्रभु श्री राम को खेवट की जरूरत पड़गी, उसी तरह माता रानी को हनुमान का जो अहंकार था उसको दूर करने के लिए अपने एक भगत की जरूरत पड़गी। कोट कांगड़ा से माता रानी चल पड़ती है। माँ के कहने पर हनुमान जी जिन्हें लंगर वीर कहते हैं, लंगर वीर महाराज से कहा, बेटा मेरे शेर की सवारी तैयार करो, मुझे एक भगत से मिलने के लिए जाने। हनुमान जी ने माँ की शेर की सवारी तैयार कर दी। आगे आगे हनुमान जी शेर की सवार, माता रानी पीछे पीछे भैरव बाबा। जहाँ पे पूरा दरबार होता है ना, बाबा हनुमान जी भी होते हैं, भैरव भी होते हैं। क्योंकि हनुमान जी सेवादार है, पहले हनुमान जी की पूजा होती है, फिर माता रानी की और फिर भैरव जी की। भैरव की पूजा के बिना माता रानी पूजा स्वीकार नहीं करती। कहते हैं भक्तों, जब आगे आगे लंगर वीर महाराज चल पड़ते हैं, शेर पे सवार कोट कांगड़ा से चल दिए, चलते 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 उसी शहर में, तो उसी तरह से उसी शहर में पहुंच जाती है माँ, जहाँ पे माँ का वो भगत रहता था। और एक जंगल में जाकर के एक पीपल का पेड़ देखा माँ ने, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया। ये लाल रंग का आसन जहाँ पे लग जाता है वो माँ का मंदिर बन जाता है। क्या बन जाता है? मंदिर। लेकिन जगराते में बहुत से ऐसे हमें मंदिर में भी चप्पल पैर का बैठेंगे, ये गलत है। कभी भी जागरण में भजन कीर्तन में चप्पल पैर का नहीं बैठना चाहिए, अन्य नहीं देखना चाहिए। चप्पल गुम हो जाएगी, होगी तो हो जाएगी और आ जाएगी, लेकिन ये जगराते रोज रोज नहीं मिलते। सच्चे दरबार की, दरबार की। तो माँ ने अपना आसन लगा लिया और हनुमान से कहा, बेटा इसी जंगल में तुम्हें मेरे नाम का एक भगत मिलेगा, उसके बुला करके लाओ। माँ ने कहा, जब हनुमान जी को भी मेरे नाम का भगत मिलेगा उसे बुला के लाओ। हनुमान जी कहने लगे, माँ उस भगत की कोई पहचान बताओ ताकि मैं उसको पहचान सकूं। माँ ने परिचय दिया, बेटा लाल रंग के वस्त्र दान किए मिलेगा। माता के भगत कैसे वस्त्र दान करते हैं? लाल। और
मुख से जय माता की शब्द का उच्चारण करता मिलेगा, गाँव में चराता मिलेगा, जात का बनिया होगा, नाम जिसका ध्यानु होगा। क्या नाम होगा? ध्यानु। हनुमान जी माता रानी के कहने पर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर उस जंगल में देखा एक उसी तरह लाल रंग के वस्त्र धारण किए भगत एक गौ चरा रहा था। गौ माता को चराना, पहले गौ माता को चरा के लेके आते थे, आज तो दूध पीने के लिए गौ माता को रखते हैं। दूध पिया और जोड़ा खोल दिया, चरका अपने आप वाले। ये भी बहुत बड़ा पाप है। सत्य दरबार की कहते भक्तों, जब हनुमान जी उस भगत के पास में गए, भगत से कहा जय माता की, आप भी कहिए जोर से बोलो जय माता की, छो में बोलो जय माता की, छो भी आवाज अपना। सच्चे दरबार की, हनुमान जी से उस भगत ने कहा जय माता की, आप भी कहिए जय माता की। हनुमान जी कहने लगे भगत जी आपका नाम ध्यानु है? जी महाराज मेरा नाम ध्यानु, लेकिन आपकी तारीफ, मैं माँ का सेवादार हनुमान हूँ। अगर आपका नाम ध्यानु है भगत, तो आपकी किस्मत जाग गई। क्यों? आज खुद कोट कंगड़ा से चल के माता रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए आई है। तुम्हारे इसी शहर में, इसी जंगल में माँ ने अपना आसन लगाया है, माँ ने अपना आसन सजाया है और वहां पे तुम्हें बुलाया है। अरे मुझे भाग्य के लिए, ओ भाई सब्जी मंडी, चार बज गए सब्जी मंडी बना दोगे? थोड़ी देर और बाहर जाकर देख लो। इतना सत्य दरबार की कहते हैं, अगर मुझे भाग्य के लिए इतना बड़ा दरबार छोड़ के माँ क्यों आएगी? लेकिन भक्तो, माँ आज भी आती है, भगवान आज भी आते हैं, उन्हें बुलाने वाला चाहिए। हमारे अंदर भावना होनी चाहिए भगवान आज भी आते हैं, क्योंकि धन्ना जाट कब होया? कलयुग में ही होया। देखो अनेक कलयुग में भगवान नहीं है, धन्ने जाट को भगवान मिले थे, कृष्ण भगवान। सुनी होगी कथा आपने? तो उसी तरह आज भी कलयुग के अंदर भगवान है, भगवान सदा थे हैं और रहेंगे। इसलिए भक्तों, ध्यानु बार बार कहने पर हनुमान जी के साथ में चल पड़ते, गऊ को चरती छोड़ के नंगे नंगे पांव जहां पे मां ने अपना आसन लगा रखा था, साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ सीधे और दोनों पैर पीछे, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। पहले हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने भी ऐसे ही प्रणाम किया करते थे, मंदिरों में भी साष्टांग प्रणाम किया करते थे। अब तो जल्दी जल्दी मंदिरों में जाते हैं, मंदिर के पास में ही जाके चप्पल उतारते हैं। एक एक बार मंदिर की तरफ देखते हैं, एक बार चप्पल की तरफ, कहीं चप्पल नहीं उठा लेगा ना। ऐसे भगवान नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं, क्योंकि भाव के भूखे हैं। ध्यानु ने साष्टांग प्रणाम किया और माँ से कहा जय माता की, आप भी कहिए जय माता की। माँ ने ध्यानु से कहा जय माता की, आप भी कहिए जय माता की। ध्यानु ने माँ से कहा, माँ आप मुझ तुझसे प्राणे के लिए अपना इतना बड़ा भव्य दरबार छोड़ के क्यों आ गई? भक्तों की लाइन लगी रहती है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे मेरा मन हुआ कि आज मैं खुद चल के मेरे भगत से मिल करके आऊं। और ध्यानु, मैं आज तुमसे भेंट लेने के लिए आई हूँ बेटा, क्या भेंट दोगे मुझे? ध्यानु कहने लगा, माँ मैं खुद भिखारी हूँ, तुम देने वाली हो, मेरे पास कोई भेंट नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं। और माता रानी कहने लगी, देख भगत, अगर तू मेरे दरबार में आया होता बेशक खाली हाथ चला आता, लेकिन आज मैं खुद तेरे दरबार में चल के आई हूँ, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जरूर जाऊंगी। तो कहते हैं भक्तों, ध्यानु कहता है, माँ मेरे पास कोई भी भेंट देने के लिए नहीं है, अगर आप भेंट लेना ही चाहती हो तो आप मुझे अपनी खड़ग दीजिए। माँ से अपनी तलवार जो बोलते हैं, माँ से खड़ग ले ली और ध्यानु ने माता रानी के बार बार भेंट मांगने पर अपना सर उतार के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोल ध्यानु भगत की। आप खड़े हो गए निकल। जैसे ही ध्यानु ने अपना सर माँ के चरणों में चढ़ाया, वहां पे कौन देख रहा था? हनुमान जी देख रहे थे कि माँ के बार बार कहने पर इस भगत ने भेंट मांगी, माँ ने भेंट मांगी इस भगत से, इसने तो अपना सर ही उतार के चढ़ा दिया। हाथ लगा लिया, माथा टेक लिया।
कि माँ कोई फूल चढ़ाता है, कोई पतासे चढ़ाता है, कोई ढजा चढ़ाता है, ले माँ तेरे बच्चे ने तो अपना शीश ही तेरे चरणों में अर्पण कर दिया। बोल सच्चे दरबार की, बैठ जाओ बारी बारी से अंदर हो जी, एक एक जना ये पेंट भी लेके आते रहो, नारियल की और कथा भी सुनते रहो। सच्चे दरबार की, जिसने नारियल ले रखे हैं वो लेकर के आएंगे। सिर को नहीं मांगती माँ नारियल, मांग रही है ले रे दाम, उठ लो। सच्चे दरबार की, तो जब ध्यान में ये अपना सर उतार के माँ के चरणों में चढ़ा दिया और माथा टेकते रहो जी, माथा टेकते रहो, माता रानी से जो भी मनोकामना अपनी मांगो। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं भक्तों, हनुमान जी रोने लग जाते हैं और हाथ जोड़ के माता रानी के सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे माँ अगर आपको आपके बच्चे यहाँ से अपना सर उतार के आपके चरणों में चढ़ाते रहेंगे तो तुम्हें माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसने छोड़ा ए छोरी, इसने छोड़ा, इसने छोटे ने ले आया, वो कौन ही रोंदा, माथा टेकते रहो जी। सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, हाँ जी रह तो नहीं कोई, आज बोलिए सच्चे दरबार की, बोल ध्यानो भगत की, सड़के तो बैठ सबके इतनी मड़ी है, इतनी बैठो पानी खंडा खड़ा था, एक बार मैं पाला कुल्फी बेचो नहीं आ करते रहो डाब दे धनी बोले रे पापो हनी, एक बुढ़िया आई पास जियो जगराते की पार्टी जान लाग रही थी, पूरी गाड़ी भर के जावे थी, एक बुढ़िया आई ने भाई रोकी रे बेटा रोकी, मन सोचो ताई ने जगरात कर रहा होगा, हमने भी रोक ली महल ताई और अपने पोते ने ले रही, नहीं तो भाई पांच मिनट खड़ा रहा किसी ने, मां क्या था, नहीं तो मेरे बेटा रो पोता रो चुप हो जाएगा, नहीं भाई इन माता सिया ने देखे हैं सच्चे दरबार की, दरबार की। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते हैं भक्तों जब हनुमान जी कहने लगे माँ अगर ऐसे तुम्हारे बच्चे अपना सर उतार के चढ़ाते रहेंगे तो इस संसार में तुम्हारे माँ कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, अतः ऐसी कृपा कीजिए आज के बाद कोई भी बच्चा अपना सर उतार के ना चढ़ाए। हनुमान जी ने माँ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी और माँ ने अपनी माया के द्वारा भक्तों ये नारियल का पेड़ बना दिया, क्या बना दिया, नारियल का पेड़। जैसे हमारा सर होता है खोपड़ी जिसे बोलते हैं, गर्दन से ऊपर ऊपर ये जटाएं हमारे बाल है, जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं ये बाल का रूप बना दिए, इसके छिलके को उतारोगे इसमें दो आंखें भी दिखाई देंगी, मुंह की तरह बना हुआ, ठीक है जी। इसके अंदर जो जल है, जब तक हमारे शरीर में जल है जब तक हम जीवित हैं, नहीं तो फिर हम सूखे नारियल की तरह। ये कैसा नारियल है, पानी वाला, जब जल खत्म हो जाता है तो सूखा नारियल बन जाता है। तो बताते हैं माँ ने अपनी माया के द्वारा जब से पेड़ बनाया नारियल का, भी आज के बाद जो भी मेरे दरबार में आएगा नारियल चुनने की भेंट लेकर के आएगा। किसी भी बड़े मंदिर में जाओगे कोई जीव की बलि देता है, हाँ जी कोई अपनी गर्दन उतार के हाथ काट के देता है, फिर सियाने सबके तक क्यों दिया करो, हाँ जी कम है नहीं, माता तो बलि मांगा, कोई माता बलि नहीं मांगती,
कोई भगवान बलि नहीं मांगता। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कवे नहीं कुंडवा खीर खावर पितर खुशी मनाओ, ये तो भाव के भूखे हैं। लेकिन जैसा भोग लगाओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। कोई शाने सप्ते के चक्कर में आ गए, कोई पाप ना करियो, जहां भी जाना है कोई जीव कोई बलि भी मांगे नहीं, नारियल लेकर आगे बंदा आ जाएगा। रोज बोला या बलि मानगी तो ठीक है, नहीं पाखंडी है। सच्चे दरबार की, दरबार की धर्मो रक्षति रक्षत है। जितना धर्म की रक्षा करोगे उतना धर्म थारी रक्षा करेगा, और जितना धर्म का पीछा हटोगे उतना ही धर्म दुखी होंगे फिरोगे। जरूरी नहीं भी जगराता कोई एक ही आदमी भाई किसी का नहीं ब्योंदा भी कर लेगा तो कई जने मिलकर भी करवा सके, पूरा काम भी मिलकर जागरण करवा सके। कोई भी धर्म का काम थोड़ा थोड़ा हिस्सा सारे लगा के कर सके। सच्चे दरबार की, दरबार की माँ ने कहा के बाद जो भी मेरे दरबार में आएगा नानक चुन्नी की भेंट लेकर के आएगा। माँ ध्यानों की भक्ति से प्रसन्न हो जाती है और ध्यानों को पुनः सजीव कर देती है और वरदान दे देती है। जा बेटा ध्यानो, कलयुग के अंदर हिमाचल में मैं बाला सुंदरी के रूप में आऊंगी। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर जिले में, हिमाचल में मैं बाला सुंदरी के रूप में आऊंगी और वहां पे तेरा मंदिर बनेगा। पहले तेरी धोख लगेगी तो मैं अपनी पूजा स्वीकार करूंगी। जो भगत तेरी पूजा नहीं करेगा तो मैं अपनी पूजा स्वीकार नहीं करूंगी। त्रिलोकपुर में नाम बनेगा माता रानी का, वैष्णो का ही बाल रूप है बाला सुंदरी। वहां पे ध्यानों का मंदिर है, कई भक्तों के साथ में बना। जिसने पहले वहां पे धोख नहीं मारी ना, माता की भी धोख स्वीकार नहीं हुई, रस्ते में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। सच्चे दरबार की भक्तों बताती है, वरदान लेकर के माँ वापसी कोट कांगड़ा चली जाती है। हनुमान जी ने एक तो माँ वैष्णो से वचन लिए थे भाई कोई बलि नहीं लेना किसी की, एक गोरखनाथ ने माँ काली से वचन लिए थे भाई किसी के माँ से मिट्टी मदरा का भोग नहीं लेना है। कहते हैं भक्तों वरदान लेकर के ध्यानों को माँ अपने वापसी कोट कांगड़ा हनुमान जी के साथ में, भैरव बाबा के साथ में कोट कांगड़ा चल पड़ती है। सदा नाम भक्तों का हुआ है, जो भगवान का भजन करते रहे उन्हीं का नाम हुआ है। आज भी ध्यानों को याद किया जाता है, आज भी मीरा को याद किया जाता है, आज भी सुदामा को याद किया जाता है। दुष्टों को कोई याद नहीं करता, भक्तों को याद करते हैं। सच्चे दरबार की। तो ये था ध्यानों का प्रसंग, नारियल की भेंट क्यों और कब चढ़ाई जाने लगी पता होना चाहिए हमने भी, कब चढ़ाई जाने लगी ध्यानों के बाद नारियल की भेंट चढ़ने लगी।